घाट तरफ ये नाव जा रही थी, अचानक हाई टेंशन में टकरा गई। हाई टेंशन मात्र 4 फीट की ऊंचाई से हाई टेंशन, इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता। लोग इसमें जल गए, करंट लगने से बहुत लोग झुलस गए और बहुत लोग क्या हुआ कि करीब 50 की संख्या से ऊपर लोग अभी बता रहे हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि 14 अगस्त के रात्रि के 9 से 10 बजे के बीच में कच्ची दरगाह, पटना जिले के यहाँ का ही इलाका है कच्ची दरगाह, वहाँ जो है एक नाव हादसा होता है। जब कच्ची दरगाह से जो एक नाव है भरी सवारी के साथ नौ रुस्तमपुर की ओर जा रही थी, उस दौरान एक बड़ा हादसा होता है और जिसमें बिजली विभाग के ऊपर पूरा ठीकरा फूटता है। आपको बता दें कि जब लोग उस नाव पर सवारी करके जा रहे थे गंगा नदी में और पूरा जलस्तर जो बढ़ा हुआ है, ऐसे में जो हाई टेंशन तार है जो गंगा नदी के किनारे से गुजरती है वो पानी के सतह से मात्र 4 फीट की ऊंचाई पर थी और बिजली विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग इस बात को लेकर के पहले से आश्वस्त नहीं थी। और इस कारणवश जब रात के 9 से 10 बजे के बीच जब लोग कच्ची दरगाह से, आपको बता दें कि रुस्तमपुर की ओर जा रहे थे, उस दौरान एक बड़ा नाव हादसा होता है और करंट के चपेट में आने से लोग झुलस जाते हैं और आनन फानन में जान बचाने के लिए गंगा नदी के तेज धारा में कई लोग छलांग लगा देते हैं और ऐसे लोगों की अभी तक जो है उनकी बात जो है उन्हें अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है कि जो लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, पानी में कूदे थे, गंगा नदी की जलधारा में कूदे थे, वे लोग कहाँ गए, अभी तक वे लोग जो हैं लापता हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में जो नाव पर जो सवार लोग थे वो करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए थे और इस बात की सूचना मिलने के साथ ही जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की जो पार्टी है जो हमेशा सेवा भाव के लिए जानी जाती है, जन अधिकार पार्टी की जो टीम है, यूथ ब्रिगेड है, हम बात करें तो जन अधिकार पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी वहां पहुंच गए और वहां जाकर के अस्पताल में जाकर के पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनका जायजा लिया, उनकी स्थिति क्या है इस बात की उन्होंने जानकारी दी और उन्हें आर्थिक मदद भी की। आपको बता दें इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये आपदा प्रबंधन विभाग और बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन उन्होंने इस बात की भी चिंता जाहिर की है कि जो लोग नाव से कूद करके गंगा नदी में कूद गए थे वे लोग अभी तक बरामद नहीं किए गए हैं, इसको लेकर के विभाग को और तेजी से जो है अभियान चलाना चाहिए। देखिए, जब अस्पताल विजिट कर रहे थे इसके बाद जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी के जो युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव दानवीर जी, वे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। बहुत ही बड़ा नाव हादसा है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। रात्रि 9-10 बजे के लगभग में कच्ची दरगाह से रुस्तमपुर की घाट तरफ ये नाव जा रही थी, अचानक हाई टेंशन में टकरा गई। हाई टेंशन मात्र 4 फीट की ऊंचाई से हाई टेंशन है। ये बिजली विभाग को सोचना चाहिए था कि जब हाई टेंशन मात्र जल स्तर से 4 फीट ऊंचा है तो हम हाई टेंशन को लाइन खत्म कर दे, लाइन काट दे, इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता। लोग इसमें जल गए, करंट लगने से बहुत लोग झुलस गए और बहुत लोग क्या हुआ कि करीब 50 की संख्या से ऊपर लोग अभी बता रहे हैं, हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ सकता है, गंगा नदी में कूद गए रात्रि में। उनका कोई अभी अता पता नहीं है, कहाँ है नहीं है। हम लोग को जैसे ही खबर पता लगा हम लोग यहाँ पहुंचे, आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग ये सारे जो भी अस्पताल में भर्ती हैं सभी को हम लोगों ने देखा है, जो भी चाहिए जन अधिकार पार्टी का हर एक नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता खड़ा है, मदद चाहिए मदद के लिए खड़ा है। यदि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़े, ले जाना पड़े तो वहाँ भी हम लोग खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चूक किन की है, चूक आपदा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग की है, चूक बिजली विभाग की है। आखिर उनको अभी तक दिखा क्यों नहीं इतना नीचे से हाई टेंशन, तो ये बहुत बड़ी चूक है। जन अधिकार पार्टी इसकी निंदा करती है और हम लोग सब लोग खड़े हैं, NMCH में भी बहुत सारे लोग सीरियस हैं, वहाँ भी हमारे साथी गए हैं देखने और यहाँ सभी लोग से हम लोग मिले हैं, रूबरू हुए, आर्थिक मदद भी किए हैं, जो पड़ी तो और भी हम लोग मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।